हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर कहकशा खान किचन एंड ब्लॉग्स में हिना खान से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स लेकर आई हूं, जिसे जानकर आपको भी खुशी होगी कि हिना खान पहले से ठीक है और पिछले दिनों वो कैंसर जैसी बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, जूझ रही थी, अपना इलाज करा रही थी। लेकिन देखिए, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हिना खान पहले से ज़्यादा काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए बाहर मार्केट आई हैं शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ इन्होंने देखिए कॉफ़ी भी पी है और कुछ अपनी पसंद की डिशेस भी ऑर्डर की हैं, जिसमें कि उन्होंने कुछ चॉकलेट केक, पेस्ट्री और कॉफ़ी ली है यहाँ पर। तो देखिए कितनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। और इधर देखिए हिना खान ने कुछ शेयर किया है, महीनों बाद कुछ शॉपिंग और हॉट चॉकलेट के लिए बाहर निकली हूँ, बस मैं खुद को प्यार कर रही हूँ, दुआ करिए। और जैसे ही हिना खान ने ये अपडेट दिया फैंस को, फैंस में ज़्यादा खुशी उमड़ गई और फैंस ने भी हिना खान के लिए दुआ करी। और देखिए उसमें से मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, तुम और ज़्यादा खुशियाँ की हकदार हो, तुम एक रॉक स्टार हो। तो ये फैंस ने लिखा है, शेर खान जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से ये कैप्शन दिए गए हैं, हिना खान को मुश्किल समय का कैसे सामना करना चाहिए ये आप सिखाते हैं। और आपको पता ही होगा कि हिना खान ने अपनी बीमारी के चलते अपने सारे बाल कटवा दिए थे, तो अब वो विग का यूज़ करके बाहर निकल रही हैं और उन्होंने एक विग बनवाई है जिसे पहनकर वो फैंस के सामने आती हैं और देखिए कितनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। और वो अपनी बीमारी का बताती भी रहती हैं, इलाज का भी बताती रहती हैं, बीच बीच में अपडेट देती रहती हैं फैंस को कि मतलब उनमें अब क्या ग्रोथ आई है, क्या इलाज चल रहा है। तो ये सारी बातें हिना खान अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू फैंस के पास शेयर करती रहती है। और देखिए जो भी इनके हेल्थ से जुड़ी हुई अपडेट होती है वो फैंस को ज़रूर अपडेट करती हैं। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि हिना खान जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और देखिए वो ऑलमोस्ट उन्होंने कैंसर बीमारी को टक्कर दे दी है और देखिए वो जीत कर भी बाहर आ गई हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है उनका। और उनकी कुछ वेब सीरीज और जो कुछ भी मतलब इनके पुराने प्रोजेक्ट थे उन पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखिए आप मिठाइयाँ देख सकते हैं, केक देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन कर रही हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने साथी कोलिग्स के साथ में। तो उनकी एक वेब सीरीज आने वाली है जिसकी खुशी में यहाँ पर उन्होंने सभी के साथ में केक काटा और अपनी खुशी को जाहिर किया। और हिना खान की जो वेब सीरीज आने वाली है उसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, गृह लक्ष्मी करके हिना खान की वेब सीरीज आने वाली है। तो जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर खुशियाँ बांटी अपने सभी साथियों के साथ में मिलकर और उन्होंने अपने आप को खुश रखा। तो यहाँ पर वो अपने आप को ट्रीट दे रही हैं कि मतलब वो ठीक हो गई हैं और इसी के चलते हुए वो बाहर शॉपिंग के लिए भी आई थी। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पसंदीदा चीज़ों का ऑर्डर दिया, उन्होंने खाया, यहाँ पर उन्होंने कॉफ़ी पी, चॉकलेट केक खाया, पेस्ट्री वगैरह खाई। तो जो भी उनको पसंद है उन्होंने अपने लिए खुद को पार्टी दी, यानी कि वो अकेली ही एंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत ज्यादा। तो हिना खान ने बाहर आते ही अपने आप को ट्रीट दी, जश्न मनाया उन्होंने, खुशियां बनाई। और देखिए आप खुद देख सकते हैं कि हिना खान कितनी ज्यादा खुश दिख रही हैं। तो देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि मतलब वो बाहर आके कितना ज़्यादा फ्री महसूस कर रही हैं, कितनी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। तो ऊपर वाला ना करे कि किसी को भी ऐसी बीमारी हो, कोई भी ऐसी बीमारी से लड़े। तो आज हिना खान ने सभी को मतलब साबित कर दिया है कि मतलब अगर अपने अंदर हिम्मत हो, ताकत हो, तो वह बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना कर सकता है। तो आज की डेट में हिना खान एक मिसाल बन चुकी है सभी लोगों के लिए, जो मतलब इतनी बड़ी बीमारी से जो भी लोग लड़ रहे हैं वो मतलब डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो बस कड़ी मतलब टक्कर दे दी आज हिना खान ने इस बीमारी को। तो आज देखिए वो आपके सामने अच्छी खासी नज़र आ रही हैं, खुश नज़र आ रही हैं, ठीक नज़र आ रही हैं। तो बस आगे भी जो भी इन्हें बीमारी है या कोई भी जो इनका इलाज चल रहा है वो अच्छे से चलता रहे और हमेशा ये ठीक रहे, अपने काम पर वापस लौटे और जो भी इन्हें ज़िंदगी में करना है वो आगे ये बढ़कर करें। और देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि हिना खान अपनी बीमारी को मतलब चलते हुए ये नहीं भूली कि उन्हें उनके बाहर जो फैंस हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए दुआएँ मांग रहे हैं। वो जैसे जैसे ठीक होती रही उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपडेट दिया ताकि जो बाहर उनके चाहने वाले हैं उन्हें अपडेट मिलता रहे। लोग दुआएं मांग रहे थे बाहर कि हिना खान अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए, अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। और हिना खान ने भी बीच बीच में सारी अपडेट देती रही
और आज देखिए आप सभी लोगों की दुआओं की वजह से, उनके घर वालों की दुआओं की वजह से, उनके फ्रेंड्स की वजह से, उनके चाहने वालों की वजह से आज हिना खान बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और बाहर आ चुकी हैं और सेलिब्रेट कर रही है, अपना जश्न मना रही हैं। तो देखिए हम भी हिना खान की खुशियों में शामिल हो चुके हैं, हम और आप मिलकर, और हम लोगों ने भी बहुत दुआएं मांगी, आगे भी मांगते रहेंगे कि उन्हें कोई भी ऐसी बीमारी ना लगे और वो हमेशा खुश रहे, और जो भी बीमारी है, जो भी रह गई है, जो भी इलाज रह गया है वो पूरा हो जाए और वो हमेशा खुश रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो भी मुझे नई अपडेट मिलेगी वो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।